ब्लाइट गर्द एक ऐसा कीट जो हर प्रकार की फसल पर अटैक करता है। नमस्कार भी किसान मित्रों, आपका अपने जल जीव खाम खेती अड्डे में फिर से एक बार स्वागत है। तो किसान मित्रों, क्या होता है ब्लाइट गर्द जब हमारे खेत में और फसल में अटैक करता है? तो सबसे पहले ये जमीन में आपका जो पौधा है उसकी जड़ को खा लेता है। जो छोटे छोटे जड़ में तंतु निकले होते हैं उनको संपूर्ण को खाकर खत्म कर देता है, जिससे पौधे को पोषक तत्व मिलना बंद हो जाते हैं, ना तो पानी ले पाता है, जिससे पूरा पौधा पीला पड़ के खत्म हो जाता है। व्हाइट गर्भ कभी भी ना तो आपके फल को ख़त्म करेगा, ना पौधे के ऊपर के तने वाले हिस्से को ख़त्म करेगा। वो ज़मीन में ही चढ़ता है और जड़ को ख़त्म कर देता है हमारे पौधे की। अब यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार पहचानेंगे कि व्हाइट गर्भ का हमारे खेत में अटैक हुआ है और फसल के ऊपर अटैक हुआ है। तो किसान भाई, क्या होता है कि आपके खेत में छोटे छोटे अनेक प्रकार के बीटल दिखने लग जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ अलग अलग प्रकार के बीटल हैं। ये आपके खेत में उड़ते हुए या ज़मीन में हल्के से रेंगते हुए चलते दिख जाएंगे। अच्छा, इन बीटल को देखने की एक जगह और है। आपके खेत में भी कहीं नीम का पेड़ है तो रात के समय में ये बीटल वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एक तरीका और है पहचानने का कि आपके खेत में कोई सी फसल बो रखी है तो दूर दूरी पर आपके कोई कोई पौधे पीले पड़कर पूरा सूखने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ज़मीन में उनकी जड़ को खोद के देखना है। कुछ गहराई में 3 इंची 4 इंची की गहराई पर आपको ये वाइट कलर का वाइट गर्भ दिख जाएगा। तो हमें उसका निदान करना है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो पूरी खेत का खेत बैठा देते हैं ये। अब इनकी एक मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यह जब आते कब है हमारे खेत में, तो बारिश के शुरुआती दिनों में इनका अटैक स्टार्ट हो जाता है। जो बीटल होता है वो अंडा देना शुरू कर देता है और वहीं से बीटल, ये जो वाइट गर्भ है, वो पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यही मैं इसके लाइफ साइकिल की बात करूं, तो सबसे पहले क्या होता है कि अंडा बनता है, फिर लार्वा आता है, उसके बाद गर्भ बनता है और फिर बीटल बन जाता है। यही सर्कल चलता रहता है, फिर से जो बीटल होता है वो अंडा दे देता है। इनका लाइफ साइकिल कम से कम 1 साल का रहता है, 1 साल तक जीवित रह सकते हैं। पर एक खासियत है, अगर जो ये धूप के संपर्क में वाइट गर्भ आ गया तो ये अपने आप मर जाएगा, पर ये ज़्यादा देर रहता नहीं है। अगर जो किसी कारणवश ऊपर आ गया तो तुरंत ही गड्ढा करके ज़मीन में घुस जाता है। अब ये किन किन फसलों पर अटैक करता है, तो प्रायः तो जैसे सोयाबीन हो गई है, मक्का हो गई है, गन्ना हो गया है, आपकी मूंगफली हो गई है, करीब करीब बहुत सारी फसलों पर अटैक करता है। अब समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी ये हो जाती है कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि एक बार आपके खेत में एक बीटल लग गया, वाइट गर्भ लग गई है, तो समस्या बढ़ जाती है। अब इसे कंट्रोल किस प्रकार करना है, तो सबसे पहले एक तो रहता है कि आपका खाद खाली है तो उसे पलव कर दीजिए। पलव करने के पश्चात उसमें रोटावेटर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि उस खेत को धूप लगेगी और इसका जो अगर जो अंडा ज़मीन में होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि हम खेत में कच्चा खाद डालते रहते हैं तो उससे भी इस बीटल की और जो वाइट गर्भ होता है इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहीं भी आपको जैविक उपचार बताना चाहूँगा, तो मेटाराइजियम और एनिप्सोप्ले, ये 4 किलो प्रति एकड़ दोनों पाउडरों को मिक्स करके हमें खेत में देना है, जिससे क्या होगा कि ये बीटल पर अटैक करेगा और उसे ख़त्म कर देगा, वाइट गर्भ को भी पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगा। अब वहीं रासायनिक उपचार की बात करें तो सबसे अच्छा इसमें क्लोरोपाइरीफास आता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसे हमें ज़मीन से देना होता है, उसका प्रति एकड़ का डोज 1 लीटर के आसपास रहेगा। आप पानी में, जहाँ पानी चल रहा है खेत में, वहाँ से डाल दीजिए और खेत में बहने दीजिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से। तो जिससे क्या होगा कि ज़मीन में क्लोरोपाइरीफास घुसेगा और हमारे वाइट गर्भ को इसको ख़त्म कर देगा। अब यदि आप ये नहीं करना चाह रहे तो 40% निमिडा और 40% फिप्रोनिल, इसे भी आप ज़मीन से ड्रीच करके दे सकते हैं, जिसका बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। अब किसान भाई, ये तो हो गई वाइट गर्भ के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसका निदान। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे और किसान मित्रों को साझा करना ना भूले। धन्यवाद।